हेलो दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ में अध्याय सात में समाकलन में एक्सरसाइज 7.1 के रेस्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 15 नंबर तक का सवाल हल कर दिया था, आज हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 नंबर का सवाल हमारा है समाकलन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की घात x dx। कुछ नहीं करना है, सिर्फ समाकलन को इसमें सेपरेट करें, बराबर ही हो जाएगा 2x dx का समाकलन माइनस 3 cos x का समाकलन प्लस e की घात x का समाकलन। यहाँ से दो कोफिशियंट है बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा x dx, माइनस 3 बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा cos x dx और प्लस ये है e की घात x dx। अब यहाँ 2 है, x में पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात यहाँ 1 है तो पावर 1 बढ़ जाएगा और बटे 2 माइनस 3, और cos x का समाकलन होता है sin x, क्योंकि sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos x का समाकलन होता है sin x, और प्लस e की घात x का समाकलन e की घात x, और प्लस c, यहाँ से दो दो काट लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की घात x प्लस c, और ये है अपना आंसर। 17 नंबर का सवाल अपना ये है, सेम काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ समाकलन को अलग अलग कर लेंगे, चूँकि यहाँ माइनस है प्लस है बता रखा है, प्लस माइनस होने पर समाकलन सेपरेट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा समाकलन 2x स्क्वायर dx माइनस ये हो जाएगा समाकलन 3 sin x dx प्लस ये हो जाएगा समाकलन 5 रूट x dx। यहाँ से कोफिशियंट को बाहर करेंगे तो x स्क्वायर dx माइनस यहाँ से भी 3 को बाहर करेंगे sin x dx, और प्लस यहाँ से 5 को भी बाहर करेंगे, और रूट x का मतलब हो गया x की डिग्री हाफ dx। अब बारी बारी से यहाँ पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पावर रूल लगाएंगे, और sin x का समाकलन हम लोग जानते हैं, बस समाकलन कर लें सीधे, ये हो जाएगा 2, x की घात 2 है, पावर 1 बढ़ा दें और नीचे 3 से भाग कर दें माइनस 3, sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, और प्लस 5, ये हो जाएगा x की घात 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 बटे 2 प्लस 1 और प्लस c, बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 2 बटे 3 x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x, और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 x 3 बटे 2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 इंटू x की घात 3 बटे 2 और प्लस c, यहाँ 2 एकम 2 x 3 बटे 2 हो जाएगा, नीचे 3 बटे 2 उलट जाएगा 2 बटे 3, यानी आंसर हमारा है 2 बटे 3 x की घात 3 प्लस 3 cos x प्लस ये 10 बटे 3 x की घात 3 बटे 2 प्लस c, और ये है अपना आंसर। 18 नंबर का सवाल अपना है समाकलन sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। सबसे पहले इस sec x को अंदर गुना कर लें तो फॉर्मूला सीधे इसमें लगेंगे, तो बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और dx। अब समाकलन को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। अब फार्मूला जानते हैं हम इसका, sec स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है tan x, और प्लस sec x tan x का x के रिस्पेक्ट में होता है sec x और प्लस c, और ये अपना है आंसर। 19 नंबर का सवाल है समाकलन sec स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx। अब इस रूप में तो समाकलन इसको कर नहीं सकते हैं, तो इसको सबसे पहले हम ऐसा बना लें ताकि यहाँ फॉर्मूला सीधे लगा सकें, क्योंकि अभी सीधे फॉर्मूले का उपयोग करके ही समाकलन यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, तो एक काम करें, इसमें sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर x और dx, बराबर ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx, बराबर ये हो जाएगा समाकलन tan स्क्वायर x और dx। कुछ नहीं किया है, सिर्फ sec स्क्वायर x को लिखा 1 बटे cos स्क्वायर x,
कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को लिखा एक बटे साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही रखा, इसको उलट दिया तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको यहाँ भी समाकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सेक में कन्वर्ट कर लें तो समाकलन हम लोग करना जानते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और इसका होगा एक्स प्लस सी, ये है इस अपना आंसर। 20 नंबर का सवाल है समाकलन 2 माइनस थ्री साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भाग लगा दें अलग अलग, ये हो जाएगा 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बराबर ये हो जाएगा समाकलन 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से इसको लिख लें 3 साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू एक बटे कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम इस प्रकार लिख लिया अलग अलग करके और यहाँ है डी एक्स, बराबर ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 टेन एक्स साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब समाकलन को सेपरेट करेंगे तो ये कॉफिशियंट बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से तीन बाहर करेंगे, ये समाकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ सीधे फॉर्मूले का उपयोग होगा तो करेंगे इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस थ्री इसका होगा सेक एक्स और प्लस सी और ये है अपना आंसर। 21 नंबर का सवाल है समाकलन रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करेंगे, समाकलन को सीधे अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वन बाई रूट एक्स डी एक्स, बराबर ये हो जाएगा रूट एक्स का मतलब एक्स की घात एक बटे दो डी एक्स प्लस यहाँ एक बटे रूट एक्स का मतलब एक्स की घात माइनस एक बटे दो डी एक्स। अब पावर रूल लगा के इसका समाकलन कर लें, ये हो जाएगा एक्स की घात एक बटे दो प्लस एक नीचे एक बटे दो प्लस एक और प्लस एक्स की घात माइनस एक बटे दो प्लस एक और नीचे भी माइनस एक बटे दो प्लस एक और प्लस सी, बराबर ये हो जाएगा एक्स की घात तीन बटे दो और नीचे तीन बटे दो उल्टा कर लेंगे दो बटे तीन प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स की घात एक में आधा जाएगा यानी एक बटे दो और नीचे भी होगा एक बटे दो तो ये हो जाएगा दो और प्लस सी, बराबर ये हो जाएगा दो बटे तीन एक्स की घात तीन बटे दो और प्लस दो रूट एक्स और प्लस सी और ये है अपना आंसर। 22 नंबर का सवाल इसमें है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है एफ टू बराबर कहता है जीरो तो एफ एक्स हमको निकालना है। तो यहाँ अगर हमको इसका फंक्शन निकालना है तो ये एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बता रखा है समाकलन और अवकलन एक दूसरे का व्युत्क्रम प्रक्रम है, तो अगर d बाई डी एक्स को हटाना है तो इधर समाकलन लेना पड़ेगा यानी यहाँ से एफ एक्स बराबर हो जाएगा, या यूँ समझें कि अगर हम लगा दें समाकलन दोनों तरफ, इसमें समाकलन दोनों तरफ ले लें तो d बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर इधर हो जाएगा समाकलन 4x क्यू माइनस 3 बाई एक्स की घात 4, यहाँ से ये हट जाएगा तो बचेगा एफ एक्स बराबर यहाँ से 4x क्यू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 एक बटे एक्स की घात 4 और डी एक्स। समाकलन को सिर्फ यहाँ अलग अलग कर लिया है और कुछ नहीं किया है, बराबर ये हो जाएगा 4x की घात 4 बाई 4 पावर एक बढ़ जाता है पावर रूल में माइनस 3 यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो x की घात हो जाएगा माइनस 4 डी एक्स बराबर यहाँ से 4 4 काट लेंगे x की घात 4 माइनस 3 इसका समाकलन करेंगे तो x की घात माइनस 4 प्लस 1 बटे माइनस 4 प्लस 1 और प्लस सी बराबर यहाँ से ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस 3 और यहाँ से देख लें x की घात बचेगा
एक में से चार घटेगा तो यानी माइनस तीन बटे नीचे माइनस तीन और प्लस सी, ये तीन तीन कट जाएगा, बचा एक्स की घात चार, ये माइनस माइनस प्लस एक्स की घात एक बटे तीन, यानी इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी। ये है अपना फलन। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है एफ टू बराबर जीरो, तो एफ एक्स हमारा ये है, अगर एफ टू निकालें तो यहाँ जो आएगा उसको जीरो के बराबर रखकर सी निकालना पड़ेगा और वापस से सी को यहाँ रख देंगे, फंक्शन होगा हमारा। तो चूँकि एफ टू बराबर कहता है जीरो और एफ एक्स हमारा ये आया है, तो यहाँ से इसके जगह पर टू रखें तो टू की घात फोर प्लस एक बटे दो की घात थ्री और प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ से ये हो जाएगा दो दूना चार दूनी आठ दूना सोलह और प्लस एक बटे दो दूना चार दूना आठ और प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ से एलसीएम ले लें आठ तो ये हो जाएगा सोलह आठ अट्ठाईसा से प्लस एक और प्लस सी बराबर जीरो, यानी यहाँ से सी हमको मिलेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस एक सौ अट्ठाईस प्लस एक एक सौ उनतीस और बटे आठ, ये आया है अपना सी का मान आठ, इसको यहाँ रख देंगे, यही हमारा फंक्शन है। तो लिखते हैं यहाँ रिजल्ट हमारा है एफ एक्स बराबर एक्स की घात चार प्लस एक बटे एक्स की घात तीन और सी बराबर है माइनस एक सौ उनतीस बटे आठ, ये हमारा है फलन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।